नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर बुधवार को फैसला सुना दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी दो मामलों की जांच बची हुई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। वहीं इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अमेरिका शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूएट होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम सेबी को दिए गए समय में अपनी पूरी जाँच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाया है। CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सीमित अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेबी ही इस मामले की जांच करेगी।